गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर SST टीचर एंड टूडे आई विल टीच यू चैप्टर 1 ऑफ SST. हेयर फर्स्ट यू हैव टू राइट ऑन द पेज नंबर 5. ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द पेज फर्स्ट यू हैव टू राइट डेट एंड इन राइट साइड यू हैव टू राइट डे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट चैप्टर इज इंडिया अवर मदरलैंड, इट मीन्स हमारी मातृभूमि. इन दिस चैप्टर वील स्टडी अबाउट इंडिया एंड द वर्ल्ड. सबसे पहले हम इस चैप्टर में इंडिया और वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, यानी भारत और संसार के बारे में. एंड देन इट्स लोकेशन, एंड देन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, एंड देन पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया एंड फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया. सो लेट्स स्टार्ट. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स लैंड फॉर्म्स एंड कल्चर. इंडिया जो है वो हमारी डाइवर्स मीन्स डिफरेंट लैंड फॉर्म्स और डिफरेंट कल्चर्स की लैंड है. यानी यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो डिफरेंट कल्चर्स फॉलो करते हैं, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं. सो इंडिया इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ डाइवर्स लैंड फॉर्म्स एंड कल्चर. द वाइड वेराइटी इन इट्स फिजिकल फीचर्स मेक्स इंडिया अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंड टू स्टडी. जो हमारी इंडिया है उसके जो फिजिकल फीचर्स मीन्स जिनको हम देख सकते हैं, लाइक माउंटेन्स, हिल्स, रिवर्स, ओशियंस, दीज आर द फिजिकल फीचर्स. तो जो फिजिकल फीचर्स हैं वो इंडिया को कैसी लैंड बनाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी सुंदर बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. इंडिया इज़ अ वास्ट लैंड, इंडिया इज़ अ बिग लैंड और बिग कंट्री. इट्स पॉपुलेशन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेकेंड पॉपुलेशन. पीपल स्पीकिंग मोर देन 23 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंगिंग टू मैनी डिफरेंट रिलीजन्स कैन बी फाउंड हेयर. और जो लोग हैं वो यहाँ पर लगभग 23 से ज़्यादा अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते हैं या बोलते हैं. और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो हमारी गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग 22 लैंग्वेजेस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई हैं. एंड बिलोंगिंग टू मैनी डिफरेंट रिलीजन्स कैन बी फाउंड हेयर. और हम देख सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है उसमें अलग अलग रिलीजन्स से, अलग अलग धर्म से लोग रहते हैं, जैसे हिंदूज भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं, और सिख भी रहते हैं, और ईसाई भी. तो जिनके सबके अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग फेस्टिव्स हैं, वो सब यहाँ पर एक साथ ही रहते हैं और एक साथ ही सभी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं. नाउ इंडिया एंड द वर्ल्ड. अब हम भारत और वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे. इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज. द नंबर ऑफ अवर इंडिया इज 7th, मीन्स जो हमारा भारत है उसका 7th नंबर है अकॉर्डिंग टू एरिया, यानी जो उसका क्षेत्र है वो 7वें नंबर पर आता है. इससे पहले 6 अदर कंट्रीज़ है जिनका एरिया भारत से ज़्यादा है. इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ एशिया. जो हमारे एशिया है उसके साउथ डायरेक्शन में लोकेटेड है क्या इंडिया. द इंडियन ओशियन इज़ नेम्ड आफ्टर इंडिया. और जो इंडियन ओशियन है उसका नाम इंडिया के नाम के बाद रखा गया, इंडियन ओशियन. द इंडियन ओशियन इज़ द 3rd लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशियनिक डिवीज़न कवरिंग 70,05,60,000 किलोमीटर स्क्वायर. और जो इंडियन ओशियन है वो हमारे वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट यानी 3rd नंबर पर आता है, जो हमारे पूरे वर्ल्ड में उसका 3rd नंबर है. और जिसका जो एरिया है वो कितना है, 70,05,60,000 किलोमीटर स्क्वायर. इट इज़ बाउंडेड बाय एशिया ऑन द नॉर्थ, ऑन द वेस्ट बाय अफ्रीका, ऑन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑन द साउथ बाय द साउदर्न ओशियन. और ये किस चीज़ से कवर्ड है, बाउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ. जो नॉर्थ साइड है वो एशिया से घिरी हुई है, ऑन द वेस्ट और वेस्ट में अफ्रीका, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया, एंड साउथ में साउदर्न ओशियन. नेक्स्ट इज लोकेशन. इफ वी लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया के मैप पर या फिर जो मैप होता है उस पर देखें, जो भारत का नक्शा होता है, वी फाइंड दैट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ इंडिया. जो जम्मू कश्मीर है वो हमारे इंडिया के मैप में सबसे टॉप पर, सबसे ऊपर हेड
हेड पर लोकेटेड है. इट इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री. जो हमारी कंट्री की डायरेक्शन हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ. अकॉर्डिंग टू दिस जम्मू कश्मीर इज़ लाई इन नॉर्थ. तो जम्मू कश्मीर कहाँ लाई करता है? नॉर्थ डायरेक्शन में. इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द हिमालयाज इन द नॉर्थ, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, इंडियन ओशियन इन द साउथ एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट. और जो इंडिया है वो चारों तरफ से किस चीज़ से घिरा हुआ है? इन नॉर्थ साइड हिमालयाज आर देयर एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशियन इन द साउथ एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट. कन्याकुमारी मार्क्स द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया. और जब हम अपने इंडिया का मैप देखेंगे तो उसमें जो साउथ डायरेक्शन होती है, या इट मीन्स जो सबसे नीचे की तरफ जो डायरेक्शन होती है, दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ डायरेक्शन. तो जो साउथर्न मोस्ट टिप है, जो दक्षिणी छोर है, उस पर कौन क्या लोकेटेड है? कन्याकुमारी, जिसको साउथर्न मोस्ट टिप कहा गया है इंडिया की. देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड विच आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया. हमारा जो इंडिया है उसके आइलैंड्स के भी टू पार्ट्स हैं या टू ग्रुप्स हैं. द आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार इन द वे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी आर अ पार्ट ऑफ इंडिया. फर्स्ट आइलैंड इज अंडमान एंड निकोबार, जो कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप अरेबियन सी में. ये भी हमारे इंडिया का पार्ट है. नाउ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज. भारत और उसके पड़ोसी देश. इंडिया इज सराउंडेड बाय मैनी कंट्रीज. सम आर बिग वाइल सम आर स्मॉल. जो इंडिया है वो वो अलग अलग कंट्रीज से घिरा हुआ है, जिसमें कुछ छोटी कंट्रीज हैं, कुछ बड़ी कंट्रीज हैं. फॉलोइंग आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. हेयर आर सम कंट्रीज विच आर सराउंडेड अवर इंडिया, लाइक पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश. यू कैन सी ऑल्सो इन मैप, हेयर आर सम नेबरिंग कंट्रीज विच आर मैंशन ऑन मैप. भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान. यू कैन सी ऑन द मैप. लुक एट द फॉलोइंग मैप ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज टू अंडरस्टैंड बेटर. आप और अच्छे से समझने के लिए इस मैप को देखिए, जहाँ पर हमारी नेबरिंग कंट्रीज मैंशन की हुई हैं यहाँ पर. एंड डू यू नो द इंडियन ओशियन इज नेम्ड आफ्टर अवर कंट्री इंडिया. जो इंडियन ओशियन है उसका नाम हमारा देश का नाम रखने के बाद रखा गया. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, यानी जो हमारी इंडिया है उसका पॉलिटिकल डिवीज़न, यानी राजनीतिक डिवीज़न, जो उसका विभाजन हुआ वो कैसे हुआ. इंडिया इज़ वेरी बिग कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. इन ऑर्डर टू रन एंड गवर्न द कंट्री देयर आर टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स इन इंडिया. हमारी कंट्री को चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने टू सेट्स बनाए हैं, यानी टू पार्ट्स, उसको टू पार्ट्स में कह सकते हैं डिवाइड किया गया है. वन इज़ कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द अदर इज़ कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट. जिसमें जो हमारी गवर्नमेंट है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टू सेट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज़ कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न द होल कंट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट गवर्न द स्टेट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारी पूरी कंट्री को, होल कंट्री को गवर्न करती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो केवल पर्टिकुलर एक स्टेट को गवर्न करती है. अवर कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरियाज विच आर कॉल्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. और जो हमारी कंट्री है उसको छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया गया है, जिनको क्या कहा गया है? स्टेट्स कहा गया है, और यूनियन टेरिटरीज यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कहा गया है. देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. और हमारे भारत में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं. न्यू दिल्ली इज कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया. और जो न्यू दिल्ली है वो हमारी, उसको क्या कहा जाता है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी कहा जाता है. नेक्स्ट, हेयर इज़ अ टेबल ऑफ स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स. हेयर आर 28 स्टेट्स एंड देयर कैपिटल. यू कैन रीड फ्रॉम पेज नंबर 7. एंड नेक्स्ट टेबल इज ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल. हेयर 8 देयर आर
9 union territories. You can study from your book. Next is physical division of India. Physical division means जो इसके भौतिक विभाजन है वो किया गया है, जिनको हम देख सकते हैं. फिजिकल का मतलब होता है जिसको हम अपनी आंखों से विजिबल कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब चीज़ें देख सकते हैं. एज वी नो इंडिया हैज़ वेराइड लैंडफॉर्म्स. जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी इंडिया है उस पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं. देयर आर प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स, अ डेजर्ट, प्लेट्यूज, अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, फॉरेस्ट एंड आइलैंड्स. जब बहुत सारी चीज़ें हैं तो जो हमारी इंडिया है उस पर अलग अलग क्या है, प्लेन्स यानी जो मैदानी क्षेत्र है वो हैं, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, कोस्ट लाइन है, फॉरेस्ट है, आइलैंड्स हैं. देयर आर मैनी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. दीज आर नॉन एज फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड. और इनको ही हमारे भारत के क्या कहा गया है, फिजिकल फीचर्स कहा गया है, यानी इसकी भौतिक विशेषताएँ कहा गया है इनको. अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स फ्लो थ्रू द लैंड सच एज द रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा एंड महानदी. और हमारे जो भारत की भूमि है उस पर बहुत सारी अलग अलग रिवर्स क्या करती हैं, बहती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी. अवर कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 5 फिजिकल डिविजन्स. और जो हमारी कंट्री है उसको मेनली 5 फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया गया, यानी उसके 5 जो फीचर्स हैं मेन उसमें डिवाइड किया गया है. दीज आर, और वो कौन कौन से, फर्स्ट द हिमालयन माउंटेन्स. फर्स्ट पार्ट इज हिमालयन माउंटेन्स, जो हिमालय माउंटेन, जो हिमालय पर्वत है उसमें डिवाइड वो. दिस इज़ द फर्स्ट फिजिकल डिविज़न ऑफ इंडिया. सेकेंड द इंडो जेजेंटिक प्लेन्स. सेकेंड जो पार्ट है वो क्या है, प्लेन्स का पार्ट है. थर्ड द इंडियन डेजर्ट. थर्ड हमारे इंडियन डेजर्ट्स आते हैं. फोर्थ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. और फोर्थ नंबर पर हमारे जो प्लेट्यूज, जो हमारे पठार हैं वो आते हैं. एंड फिफ्थ द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स, जिसमें हमारे कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स को इंक्लूड किया गया है. यू कैन स्टडी फ्रॉम दिस मैप ऑल्सो. हेयर फिजिकल फीचर्स आर मैंशन इन दिस मैप. यू कैन सी oceans, plains, mountains, deserts and plateaus also. Thank you. Have a nice day.